देखिए चंडीगढ़ भी हमारा प्रॉफिट में था, पौंडीचेरी भी हमारा प्रॉफिट में, ये फिर भी दे रहे हैं। ये तो लॉस की तो जिगर कर रहे हैं, लॉस में भी है तो भी दे रहे हैं और प्रॉफिट में है तो भी दे रहे हैं। इनकी नीयत सिर्फ बेचने की है, बेचने के अलावा और कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। पिछले साल जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था, तब उस आंदोलन की एक बड़ी मांग ये भी थी कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट को वापस लिया जाए, क्योंकि इसके कई जो प्रावधान हैं वो मजदूरों और किसानों के खिलाफ में हैं। आज हम नई दिल्ली के जंतर मंतर के इलाके पर हैं, जहां पर देश भर से बिजली विभाग के कर्मचारी और इंजीनियर आए हैं ताकि वो इस एक्ट का विरोध कर सकें। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल इंडिया में प्राइवेटाइजेशन करने देख रहा है करंट का, बिजली वालों का। ये एम्प्लॉयज़ को पूरा भी प्राइवेट में निकलने के वजह से देख रहा, और वैसा करने से, ये प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होता बोल तो इधर किसान पूरा नुकसान होता, इधर इन लोग पूरा प्रजलु सब भी बहुत नुकसान होता। वर्तमान सरकार हर चीज को सरकारीकरण को निजीकरण में बदलना चाहती है, तो सबसे पहले सरकार को निजीकरण में लाए। मोदी जी के जो सरकार है वो निजीकरण होना चाहिए उसका। आप देखिए, जैसे बिजली है, बिजली आवश्यक वस्तुओं में शामिल है, जैसे गेहूं खाने की वस्तु में। अगर बिजली महंगी होगी तो यहाँ का किसान और मजदूर मर जाएगा, उसके लिए बिजली सिर्फ एक सपना रह जाएगी। आज जो बिजली 3 रुपए के रेट में मिल रही है वो 13 रुपए के रेट में मिलेगी। अगर वो बिजली का कानून संसद के अंदर पास हो गया तो पूरे देश के बिजली के उपभोक्ता को बिजली महंगी मिलेंगी, और जो सरकारी संस्थान है, बिजली कंपनियां है, ये पूरी निजी हाथों में सौंपी जाएंगी। हम लोग इसका विरोध करते हैं, जो भी संसाधन है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मालिकन, वो उन्हीं के हक में रहना चाहिए, उनका कोई निजीकरण हम नहीं चाहते। Even though all the state electricity boards are occurring losses, is not due to the employees, not due to the engineers. It is due to the policy of that state government to implement their policy, their social welfare policy, their public welfare policy. Most of the states have given free electricity to the farmers, free electricity to the hut consumers, and in subsidy rate to the domestic consumers, and then. They are not running the commercial commodity. They are running the service sector. अगर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट आता है तो जैसे BSNL जो है आज की डेट में जो होंद में है, तो पहले क्या था, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था। टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अनबंडल होने के कारण जैसे वोडाफोन है, एयरटेल है, आइडिया है, ऐसी कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट कंपनी जो है उनको इनडायरेक्टली जो है प्रमोशन मिली। सो उससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट, जो पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम करते थे उनकी सर्विसेज जो हैं इनसिक्योर हो गई, और डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट का बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने जो है उपयोग करके, प्राइवेट सेक्टर ने उस पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा जो है प्रिविलेज देना शुरू कर दिया, जबकि रूट वगैरह, टावर्स वगैरह, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा जो इस्टेब्लिश तो किया था पब्लिक सेक्टर ने या टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने, और उसका जो बेनिफिट्स जो हैं, जो प्रिविलेज जो है वो ले गया प्राइवेट सेक्टर ले गया। तो उससे क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर मतलब जो है उसको प्रमोशन मिल गई। हर चीज़ को आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी की बात अगर मैं करूँ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम की बैकबोन है। आप चाहे डिफेंस सर्विस की बात कीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कीजिए, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन की बात कीजिए, इवन जो है इरिगेशन की बात कीजिए, एग्रीकल्चर है, सो नॉर्मल जो है साडा हमारा डोमेस्टिक हाउस होल्ड है, ठीक है, देन जो है कमर्शियल हमारे अदारे हैं, सो सभी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। देखिए, हमारा पक्ष ये है, जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है ये बिल्कुल एक तो किसान विरोधी है, उपभोक्ताओं के विरोधी है। कोई भी जो कंपनी आएगी वो बिना प्रॉफिट के नहीं करेगी। अरे, उसकी स्थापना की गई थी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे की गई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी इलेक्ट्रिसिटी की, जो डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे की गई थी कि किसानों को हम बिजली में मुफ्त में देंगे या रियायती दरों पे देंगे जो दे रहे हैं, ठीक है ना। गरीब से गरीब घर के में बिजली जाए,
गरीब से गरीब की दुकानों में बिजली जाए, बड़े से बड़े उद्योगपति के पास बिजली जाए। तो ये सारी चीज़ें थी जो चीज़ें, ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल अगर लागू हो गया तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, एक उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो है वो अन्य राज्य की तुलना में, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन जो है अन्य राज्य की तुलना अलग है। वो हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, और आपको मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सन 1987-88 के अंदर ही 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य अचीव किया है। हिमाचल के कर्मचारियों ने सन 87-88 में ही इसको अचीव किया है। तो उस समय कोई भी बड़ी कंपनी ने उस कार्य को पूरा करने के लिए कोई सहयोग नहीं किया है। आज बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने अपनी शहादतें दे करके बिजली बोर्ड को बनाया है, और अपने कंज्यूमर को एक बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई है। लाहौल स्पीति हो, काजा हो, किन्नौर हो, सिरमौर हो, ऊना हो, चाहे पालमपुर हो, पूरे प्रदेश के अंदर जो है बिजली की दरें एक समान हैं। सस्ती दरों के ऊपर वहाँ पे बिजली जो मुहैया बिजली बोर्ड करवाता है। अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन होती है तो इसका प्रभाव केवल बिजली बोर्ड के कर्मचारी के ऊपर नहीं पड़ेगा, इसमें पूरे प्रदेश के जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे छोटे उद्योगपति हैं, उन सब लोगों को इससे आहत होगे। क्योंकि आज अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि बिजली बोर्ड का जो एक सब्सिडी होती है, एक क्रॉस सब्सिडी होती है, इस एक्ट में दोनों ही बातों का जो है वो ख़त्म किया जाएगा, और एरिए के हिसाब से जो जो कॉस्ट पड़ेगी बिजली की उस तरह से वहाँ बिजली का रेट तय किया जाएगा। तो आपका जो इंडस्ट्री एरिया होगा जहाँ लागत ज़्यादा होती है, एम्प्लॉय कॉस्ट कम होती है, वहाँ तो बिजली आपको सस्ती मिल सकती है, परंतु जो दूर दराज के क्षेत्र है, अधिकतर जो लोग हैं जैसे काजा है, पांगी है, किन्नौर है, हमीरपुर है, वहाँ 25-30 रुपए तक यूनिट जो है वहाँ पे पड़ेगी, तो उन लोगों को जो है इसमें क्रॉस सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। करंट के रेट अभी बढ़ जाते हैं, करंट का रेट आज 2.5 रुपये में मिल रहा तो 15 रुपये होता हो पर यूनिट, उसी वास्ते तो इसको हम लोग पूरे ये अदानी अंबानी को देने के वास्ते देख रहे हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब इसको हम लोग बहुत बार पार्लियामेंट में हम लोग एग्नेस्ट करे, अभी भी फिर पार्लियामेंट में लगाने देख रहे हैं, उसके एग्नेस्ट के वास्ते हम लोग आज धरना कर रहे हैं। वर्तमान सरकार, मोदी जी की सरकार, ये चाहती है कि बिजली बड़े लोगों की, बड़े लोगों तक सीमित रहे। इसके लिए हम लोग, चूँकि हमारा वेतन है, हमारी पेंशन है, अगर निजीकरण हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोगों को ये बंद कर दी जाएगी। इसीलिए आज पूरे 30 राज्यों के जो बिजली कामगार हैं वो जंतर मंतर में इकट्ठे हुए हैं। ये कानून में प्रावधान ऐसा है कि जो भी सरकारी कंपनियां है वो 36 हफ्ते के अंदर निजी हाथों में सौंपी जाएंगी। जब निजी मालिक आ जाएंगे तो उनको बिजली की दरें तय करने के अधिकार होगी। किस अभियंता को, अधिकारी को रखना है वो तय करेंगे, उसको वेतन क्या देना है ये तय करेंगे। अब सबसे बड़ी खतरनाक जो चीज़ है कि देश के जो आम उपभोक्ता है, किसान से लेके सभी, उनको जो बिजली कुछ कम दाम पे मिलती है, कुछ सब्सिडाइज बिजली मिलती है, वो सब्सिडाइज बिजली पूरी खत्म हो जाएगी और बिजली की दरें बढ़ेंगी। टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट एनी प्लान्स टू द पीपल देयर विल बी अ लॉसेस, दिस लॉसेस शुड बी कॉम्पनसेटेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। इट इज अ बाउंड ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू कॉम्पनसेट द अमाउंट इंस्टेड ऑफ कॉम्पनसेटिंग द लॉसेस simply privatizing, simply passing the electricity amendment bill and given to the private hands is very dangerous one. It is anti-national bill. जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है जी, वो लोग हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है। ट्यूबल जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको सब्सिडी देती है। अगर ये प्राइवेटाइज हो जाएगा फुल फ्लैज तो प्राइवेट जो एम्प्लॉयर है वो कभी भी इनको एक पैनी भी नहीं देगा। पब्लिक सेक्टर जो है जब तक रहेगा तब तक ये प्रिविलेज लोगों को मिलता रहेगा। जैसे ही ये प्राइवेटाइज हुआ तो एकदम जो है ना लोगों का एक्सप्लॉयटेशन इतना बढ़ जाएगा आप सोच नहीं सकते। पहले भी प्राइवेट कंपनियां हुआ करती थी, 76 से पहले प्राइवेट कंपनियां हुआ करती थी, तो वो सरमाएदारों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही कनेक्शन दे पाते थे। तो वो चीज़ें दोबारा से रिपीट होंगी। इस चीज़ का हमें सबको विरोध है कि कोई भी कंपनी, आप सीधे से मान लीजिए, इसके आज की तारीख में जो 5-6 रुपए की पड़ रही है बिजली,
वो कम से कम और तो कम 4 रुपए में या 3 रुपए में दे रहा है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट दे सकती है ना, वो तो नहीं दे सकते। जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी तरफ ना सरकार बढ़ कर करके, जो बिजली बोर्ड के अंदर आज हिमाचल की बात करो तो फील्ड टेक्निकल स्टाफ और दूसरे कर्मचारियों के हमारे लगभग 8,000 से ज़्यादा पद जो है वे वेकेंट चले हुए, और हम उन पदों को ना भर करके नए दफ्तर वहाँ खोल रहे हैं। 13 हमने वहाँ डिवीज़न खोल दिए हैं, 3 सर्कल खोल दिए हैं और 17 हमने सब डिवीज़न खोल दिए हैं। उन दफ्तरों में ना तो स्टाफ है और केवल वहाँ अधिकारी को बिठा दिया गया है, और वहाँ 150 करोड़ रुपये का सालाना जो बोझ है बिजली बोर्ड के ऊपर डाल दिया गया है। अगर इसकी जगह बिजली बोर्ड में नए लोगों की भर्ती की जाती, अगर सेक्शन लेवल पे हम बात करते, सेक्शन लेवल में हमारे पर जो ट्रांसफार्मर है 35-35 ट्रांसफार्मर एक सेक्शन में है, परंतु उनको मेंटेन करने के लिए केवल 2 हमारे पास टीममेट है, ये 3 टीममेट है, या हमारे पास आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, परंतु स्टाफ की भारी कमी है। परंतु सरकार इस तरफ नहीं देख करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ देख रही है कि किस तरह हम लोगों के अंदर ये दहशत फैलाएं कि बिजली बोर्ड का कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी काम ना करके हमें प्राइवेटाइजेशन करना पड़ रहा है। लास्ट 75 ईयर से गवर्नमेंट के उसमें चल रहा ना, हाँ कभी गवर्नमेंट के उसमें चल रहा हो, कभी भी बिजली प्राइवेट को नहीं दिए, मगर मोदी साहब आके अब प्राइवेट को देना बोल के अंबानी अंदानी को देखना बोल के देख रहे, उस वास्ते हम लोग इसको पूरा भी इतना कर रहे हैं, ये पूरा भी बिल इमीडिएटली स्टॉप करना, स्टॉप कर दे के इमीडिएटली पुराना कैसा है वैसा ही जाना है। 2003 में जो नया कानून बनाया था बिजली का और 2004 में देश भर में लागू किया था, उस समय भी सरकार ने यही कहा था, और हालात ये हुई कि बिजली की 2003 के कानून के बाद आज तक बिजली की दरें ना कम हुई, और जो निजी उपभोक्ता आए थे बिजली उद्योग में वितरण के क्षेत्र में वो काम नहीं कर पाए, वो भाग गए, और दोबारा सरकारी कंपनी को निजी पूरा इलाका जो है निजी हाथों में सौंपा और टेक ओवर करना पड़ा। इसके पहले 2013 में इन्हें निजीकरण के लिए 3 जिले दिए थे, ग्वालियर दिया था, सागर दिया था, करेली दिया था, पर वो विफल रहा। जिन जिन उद्योगपतियों को दिया वो अचीवमेंट नहीं कर पाए, फेल है निजीकरण। पर सरकार चाहती है कि एक बार में अदानी जी से बड़ी रकम ले ली जाए, 10 खरब रुपया। इन तमिलनाडु वी आर 1,000 more than 1,100 पीपल इन ऑल आवर यूनियंस, जॉइंट एक्शन काउंसिल्स आर कमिंग, वी आर टीएनईबी इंजीनियर संगम अफिलिएटेड टू द एआईएफओडी, वी आर नियरली 175 मेंबर्स आर कमिंग हियर बिकॉज इट इज ए डेंजरस बिल। It is not only dangerous to the electricity board, it is not only dangerous to the people, it is dangerous to the entire nation. Actually, सरकार की सीधी सीधी स्ट्रेटजी ये है कि अगर किसी चीज़ को ख़त्म करना है, बर्बाद करना है ना, तो उसको बदनाम कर दो बस। पहले इन्होंने BSNL को, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को ऐसे बदनाम किया, बदनाम करके ये घाटे में है, ये घाटे में है। घाटे में तब होता है, मान लो ये 2022-23 फाइनेंशियल ईयर है, इस 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ की सब्सिडी डिपार्टमेंट ने अनाउंस कर दिया, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि इतनी सब्सिडी हमने ट्यूबवेलों को और WSD रिबेट या BC रिबेट या एनी अदर रिबेट बिलो पॉवर्टी लाइन रिबेट हमने ये इनको देनी है, तो वो डिपार्टमेंट जो है उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है। अब अगर सरकार इस फाइनेंशियल ईयर में उस वो पैसे डिपार्टमेंट को नहीं देती तो अगले फाइनेंशियल ईयर में देती है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो है उसको घाटा शो कर देते हैं, जबकि वो एक्चुअली घाटा नहीं होता। हम कह रहे हैं अगर इन्होंने वाकई में निजीकरण करना तो आप कर दीजिए, जिसे भी आप दे रहे हैं, टाटा बिरला अंबानी जो भी हो XYZ, हमें किसी का उसका विरोध नहीं है, वो बराबर अपनी जनरेशन बनाए, अपना प्रोजेक्ट लगाए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे ना, अपनी ट्रांसमिशन की लाइन बनाए, हमारे बगल में आ जाए, कंपटीशन करने हम तैयार हैं। लेकिन ये नहीं कि कोड़ियों के भाव में भाई, जो हमने इतना बड़ा डिपार्टमेंट खड़ा करा है, आज से थोड़ा खड़ा कर 70-80 साल हो गए खड़े करे हुए इसको, अब ये कोड़ियों के भाव में देना, कोड़ियों के भाव में जो दो दे रहे हैं उसका विरोध है। ये भार किसको ऊपर आएगा? आम गरीब जनता के ऊपर, किसान के ऊपर। ये मोदी जी का देश नहीं है, ये जनता का देश है। 144 करोड़ जो जनता रह रही है, उसने उनको चुना है, उनकी जनभावना को ध्यान में रखते हुए बिजली के रेट ना बढ़ाए जाएं, निजीकरण पे तत्काल रोक लगाई जाए। 5 दिसंबर को अभी जो सत्र शुरू होगा संसद का, उसमें बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास है, स्टैंडिंग कमेटी में सारे के सारे लोग सरकार के बैठे हुए हैं। जिस दिन फ्लोर में संसद पे आएगा ये बिल,
हाथ ऊपर करके पास हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा, आम जनता की पहुंच से बिजली बहुत दूर हो जाएगी और हम लोगों के भी वेतन भत्ते रुक जाएंगे। हम लोगों भी सरकारीकरण से निजीकरण में ढकेल दिया जाएगा, हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए आज हमारे 25 लाख जो देश के कोने कोने से कामगार हैं, बिजली के अभियंता हैं, वो इकट्ठे हुए हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है। वो कहती है कि लोग जो हैं जैसे जैसे पढ़ लिख रहे हैं उनमें अवेयरनेस आ रही है, वो सरकारों के गिरेबान पे पहुंच रहे हैं। एक्चुअली वो सरकारों को क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, भाई हाँ भाई ये आपने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। सरकारें उनको आंसरेबल हैं, वो आंसरेबल होने से बच रही हैं, इसलिए वो कहती हैं हम इसको प्राइवेटाइज कर दें, एक प्राइवेट एम्प्लॉयर से उनके गले पड़ें, लोग उनके गले पड़ें, बस इतनी सी बात है। वो सर्विसेज से भाग रही हैं, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हैं और कोई रीज़न नहीं है। कोई भी भांडवलदार जो आता है वो नफा कमाने के लिए आता है और बिजली उद्योग बिजली बोर्ड का गठन जो है कोई नफा कमाने के उद्देश्य से नहीं था। आम उपभोक्ता को कम दरों पे बिजली मिले और हर आदमी को बिजली पे अपना अधिकार हो, इसलिए वो किया था, देश के विकास के लिए किया था।